सोमनाथ भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समस्त संतन की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम श्री शिव महिमना स्तोत्र के प्राथमिक श्लोकों पर विचार हुआ था। आठवां श्लोक में भगवान शंकर को स्वात्मा राम के रूप में वर्णन करते हुए उनके पास क्या क्या है, क्या क्या सामग्री है, इसका वर्णन करते हुए ये दिखाया। स्वयं अत्यंत विरक्त होते हुए भी भगवान सबको सब कुछ देने वाला अपना स्वरूप को, मंगलकारी स्वरूप को रखता है। जिसके पास सब कुछ है, जो सबका स्वरूप है, सबके अंतर्यामी है, आत्मा परमात्मा के रूप में जो विराजमान है, वही यहां भगवान शंकर के रूप में स्तुत्य हुआ है। अब आगे जिन पक्षों पर विचार कर रहे थे कि पुष्पदंत आचार्य ने यहां स्तोत्र के माध्यम से शास्त्र के आंतरिक अर्थ, निर्गुण निराकार सगुण साकार एवं दर्शन शास्त्रों पर प्रकाश डाला है। आचार्य कहना चाहते हैं ये सभी दर्शनकार, दर्शन सिद्धांत, ये सभी कुछ भगवान के ही स्तुति है, भगवान की पूजा है। यद्यपि दर्शन शास्त्रकार अलग अलग दर्शन कहते हैं, सांख्य कुछ कहता है, योग कुछ कहता है, पशुपति मत और कुछ है, वैष्णव मत और कुछ है, तो भी सबके लिए एक ही प्राप्य है, वो परमेश्वर है। जहां नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं, नाम रूप समाप्त होता है, वहां एकत्व प्रकट होता है, एकत्व का अनुभव होता है। इस दृष्टि से यहां स्तोत्र की व्याज से पुष्पदंत आचार्य ने तत्वबोध कराया। और वैसे हमने पहले भी आपको बता चुका है कि ये स्तोत्र कहने के लिए स्तोत्र है, किंतु हमारे यहां स्तोत्र वेद का सार, उपनिषदों का सार, पुराण कथाओं के संक्षेप रूप होता है। अब यहां इसलिए हमने एक एक स्तोत्र का यहां जो स्तुति कर रहे हैं उसका पुराण के साथ भी संबंध दिखाया। तो ये सारे मिलकर के एक हो जाते हैं। जो शिव पुराण का अध्ययन नहीं कर सकते, जो लिंग पुराण का, जो नारद पुराण का, स्कंद पुराण का अध्ययन नहीं कर सकते, नहीं किया हो, वो ये स्तोत्र का पाठ करके उसका फल प्राप्त कर सकता है। और वेद मंत्र के विषय में भी कहा, जो रुद्री पाठ नहीं कर सकता हो उनके लिए भी ये स्तोत्र है। इस प्रकार की इसकी महिमा बहुत व्यापक है। हमारे ऋषि मुनियों में ये विशेष
कौशल रहा कि वो कितने भी बड़े से बड़े ग्रंथ को समेट करके सारांश के रूप में किंचित शब्दों में प्रकट कर सकते थे। उनकी मेधा शक्ति, धारणा शक्ति इतनी व्याप्त थी कि 18 पुराण को भी वो संक्षेप में 5 श्लोक में बता देते हैं, कभी 1 श्लोक में बता देते हैं। भागवत पुराण को आप जानते हैं, भागवत पुराण को 4 श्लोकों में बताए। इसी प्रकार रामायण को भी संक्षेप करके 4 श्लोक में बताते हैं। तो ये जो विधा है ये इसलिए है कि सहज रूप से सामान्य लोग जिनके पास समय अधिक नहीं होता, अपने कार्य व्यस्तता के कारण अधिक भजन नहीं कर सकता है, उनके लिए कम से कम कुछ समय के लिए स्वाध्याय करने के लिए ये सब आलंबन बनाया। और धीरे धीरे अर्थ का चिंतन करते हुए वो साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे इस प्रथम भाग के 9वां श्लोक है, उसमें भी मदांतरों के विस्तार का कोई अलग प्रयोजन नहीं है, ऐसा कहते हैं। पुष्पदंत आचार्य को यह लगा कि मैं भगवान के स्तुति करते हुए मदांतरों को बताने लग गए तो क्या सोचेंगे लोग, तो इसलिए वो प्रकट करते हैं कि मैंने इसलिए कहा कि भेदभाव को हटाने के लिए यहां मदांतरों का कोई भेद नहीं है, ये दर्शाने के लिए उन शब्दों का संकलन किया है। सार तो ये है, ये जितने भी मदांतर है ये कोई वास्तविक नहीं है, सब एक ही तत्व के अनेक रूप है। अब कोई सत कहता है, कोई असत कहता है, कोई भगवान को किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विषय को आगे प्रतिपादन करते हैं। ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलमपरस्तद्ध्रुवमितम् परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगदिगदते व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतेर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। हे पुरमथन, ये संबोधन पहले भी आया, इसका अर्थ प्रतिपादन हो चुका है कि कश्चित् ध्रुवम सर्वम सकलम, कोई वादी ऐसा कहता है ये जो सृष्टि है, ये प्रपंच जो दिखाई देता है, ये सत्य है, नित्य है, ऐसा कहता है। ध्रुवम, ध्रुव माने सत्य होता है। कश्चित् सर्वम सकलम सत्यम वदति, सब कुछ सत्य है ऐसा गदति वदति। ये सांख्यों का दर्शन है। सांख्य कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व है, यानी प्रकृति का अर्थ होता है जो भी चराचर पंचभूत आदि आकार में यहां दिखाई दे रहे, ये सब प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों को अलग अलग करके उनके अलग अलग मिश्रण से ये संपूर्ण प्रपंच को बनाते हैं, परिणाम सिद्धांत के अनुसार, मैनिफेस्टेशन थियोरी के अनुसार बनाते हैं, ये सांख्यों ने कहा। और प्रकृति को नित्य माना है, इसलिए जो दृश्यमान जगत है नित्य है, परिणामी है, बदलता रहता है। सृष्टि होती है और संहार होता है, फिर सृष्टि आती है, फिर संहार होता है, ये चलता रहेगा किंतु नित्य है, इसका सर्वथा नाश नहीं मानते सांख्य। और इससे अलग साक्षी तत्व है, पुरुष तत्व है, इसको पुरुष समझा देते हैं,
वो चेतन तत्व होता है और चेतन कभी सृष्टि नहीं करता। चेतन को सृष्टि के साथ कोई संबंध नहीं मानते सांख्य। चेतन का अस्तित्व मात्र रहता है, चेतन के अस्तित्व से ही सृष्टि संपन्न हो जाती है, यथावत चलती है, ऐसा उनका सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कि ध्रुवम कश्चित सर्वम सकलम अपि, सब कुछ नित्य है, सत्य है, ऐसा मानते हैं। बहुत सारे वादी ऐसे हैं, कई वैष्णव सिद्धांतों में भी ऐसा ही माना है। परमात्मा को भी सत्य माना, जीवात्मा को भी सत्य माना और इस दृश्यमान प्रपंच को भी सत्य माना। जैसा द्वैत अद्वैत ऐसा होता है, उनके यहाँ त्रैत होता है। त्रैत माने तीन सत्य है, किसी के यहाँ दो सत्य है और किसी के यहाँ एक सत्य है। ये सब दर्शन शास्त्र का है, आपको सुनने से लगेगा ये कितने सारे झगड़ा है, हमको पता नहीं था ये क्या क्या बोलते हैं। कोई एक बोलता है, कोई दो बोलता है, कोई तीन बोलता है, कोई चार बोलता है, कोई पांच बोलता है, यहाँ तक 35 तक तत्व बोलते हैं। एक से लेके 35 तक तत्व मानने वाले हैं, 36 तक मानने वाले। ये बहुत विस्तार है हमारे शास्त्र, और इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत खूब आनंद आएगा कि कितने सारे इन्होंने विचार किया, बैठे बैठे कितने विचार करके ये सब कुछ बताया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप तो केवल एक तत्व को जानते हैं, ब्रह्म तत्व एक है ऐसा जानते, ऐसा नहीं है। अब पशुपति सिद्धांत, पार्श्वपति सिद्धांत आदि में 36 तत्व है, एक नहीं तो बहुत सारे तत्व है। 25 बताता है, 26 बताता है, ऐसे लगातार बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा कोई सत्य क्या है, अभी कैसा है, कार्य कैसे को निचोड़ कैसे निकालेंगे। आप सोचेंगे 36 तत्वों का अध्ययन कब हम करेंगे। अब वो कोई कहेगा कि ये 36 तत्वों का अध्ययन होने के बाद ही मोक्ष होगा, ऐसा कहेगा तो कितना मुश्किल है। इसलिए पुष्पचंद आचार्य कहते हैं इस प्रकार बहुत बड़े भेद है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये सारे को निचोड़ करके एक में लाया जा सकता है। जब एक से अनेक बन सकता है तो अनेक से एक भी निकाला जा सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब एक तत्व से अनेक बना तो वापस वो एक में जाके मिल जाएगा। इसलिए एकत्व, एकत्व और नानात्व, और नानात्व में एकत्व, ये हमारी फॉर्मूला है। अब जब नानात्व में एकत्व में कहते हैं तो हम सबको स्वीकार करते हैं, इसलिए हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं। एक मानने वाले को दो मानने वाले के साथ, तीन मानने वाले के साथ, पांच मानने के वाले के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक को सबको मानना पड़ेगा। जो 36 को मानते हैं वो एक को मानेगा कि नहीं मानेगा, मानना पड़ेगा एक के बिना तो 36 कैसे होगा। इसलिए कहते हैं देखो भाई, हमको किसी के साथ झगड़ा नहीं। परस्परम विरुद्धंदे तेर अयम न विरुद्ध दे, ऐसे मांडू के कारिका में हमारे परम आचार्य गौड़पाद आचार्य कहते हैं कि सब आपस में लड़ते हैं लेकिन हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं। हम सबका भला चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हम कहते हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि कोई जगत को सत्य मानता है और अपरस्तु अध्रुवमितम, उसके विरुद्ध में दूसरा कहता है कि नहीं, जगत सत्य नहीं है, प्रपंच सत्य नहीं है, ऐसा वादी कहते, असदवादी कहते हैं। ये असत कार्यवादी, असत कारणवादी, ये बौद्धादि दर्शन है, और नैयायिकों में कुछ है वे भी असत मानते हैं। तो ये असतवादी भी कोई है, कोई सत्य मानता है, कोई असत्य मानता है। और फिर तीसरा बोलता है परो ध्रव्या ध्रव्य, पर मैंने तीसरा पंक्त, वो कहते हैं नहीं, कुछ सत्य है कुछ असत्य है, कुछ सत्य है कुछ असत्य है, दोनों का तालमेल बिठाते हैं, उनका उनकी अपनी प्रक्रिया में दोनों को बिठा दिया। ये नैयायिक वैशेषिक नाम के दो दर्शन ऐसे हैं, उन्होंने कुछ तत्वों को सत्य माना, कुछ तत्वों को असत्य माना। इनके यहाँ भी तत्वों में गिनती में फर्क है। वैशेषिक तो सात पदार्थों को मानते हैं
और नैया एक 16 पदार्थों को मानती, ये सब ये 36 के अंदर का सब आता है, तो वो भी है। और इस प्रकार से व्यस्त विषय जगदि गदति, ये व्यस्त विषय के विषय में जो विषय हमारे सामने दिखाई देते हैं संपूर्ण सृष्टि, इसको व्यस्त विषय कहते। व्यस्त का अर्थ होता है कार्य, परिच्छिन्न, सीमित। तो ये जो विषय सामने दिखता है, प्रबंध सामने दिखता है, इसको लेकर के आपस में इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, वाद विवाद करते हैं। किंतु समस्ते पेदस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इवा, ये समस्त संपूर्ण मदवातों में आश्चर्यचकित करने वाली एक बात है, जिन्हें वादियों के पक्ष में देखा जाए तो लगता है उनको समझ में नहीं आया। वो शब्द तो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, कोई सत बोलते हैं, कोई असत बोलते हैं, कोई सदासत बोलते हैं, कुछ न कुछ तो वो आपस में बोल रहे हैं, उनको तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। जब तत्व का ज्ञान उनको होता है तो एक ही मानने पड़ते हैं, तत्व अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे जो भी अब प्रपंच में यहां दिखाई देते हैं, इन सबको यदि एक मानना है तो हम पृथ्वी तत्व के रूप में एक मान सकते हैं। वैसे तो पंचभूत भी है, हमारे सबके शरीर पार्थिव तत्व से, पृथ्वी तत्व से बना हुआ। इस प्रकार एकत्व वहां दिखता है तत्व दृष्टि से। तो समस्ते पेदस्मिन् हे पुरमथना तैर विस्मित इव स्तुवन जिह्रे मित्वाम नखलु ननु दृष्टा मुखरता। तो इस प्रकार से आश्चर्यचकित होते हुए ये कहना पड़ता है कि अलग अलग कहते हुए भी ये आपकी ही स्तुति करते हैं, और इनको ऐसे अलग अलग कहते हुए लज्जा भी नहीं आती, आपस में विवाद करते हुए लज्जा नहीं आती। जैसा एक परिवार के भाई आपस में विवाद करें, झगड़ा करें, एक ही पिता के संतान आपस में विवाद करें तो कैसे लगेगा, तो ऐसा ही है कि एक ही माता पिता के हम सब संतान हैं, हम एक ही तत्व के परिणाम हैं, ऐसा जानने पर आपस में इस प्रकार विवाद करने को उनको लज्जा क्यों नहीं आती, लज्जित होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। तो खलु मुखरता, निश्चय ही ये इनकी वाचालता है, ये मुखरता मन वाचालता, बोलते रहते हैं, इनकी बोलने की शैली है तो बोलते रहते हैं। और ये बिल्कुल धृष्टता है, ये साहस है, ये अहंकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपके अभिप्राय कुछ अलग हो सकते हैं, अभिप्राय अलग होने ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, स्वतंत्र विचार रखते हैं, लेकिन जो अभिप्राय में भेद है, ये कभी विवाद में, झगड़ों में, मारपीट के रूप में बदलना नहीं चाहिए। अभिप्राय प्रकट किया, अंगीकार करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन उससे आगे इसको ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो अभिप्राय है वो भी बदलता है। कोई भी अभिप्राय, किसी का अभिप्राय स्थायी नहीं होता, समय समय पर बदलता है। जैसे आपके भाव बदलेंगे वैसे आपका अभिप्राय बदलेगा, जैसे आपकी दृष्टि बदलेगी वैसे आपकी सृष्टि भी बदलेगी, जैसे भावना बदलेगी वैसा ज्ञान बदलेगा। अब एक जगह रुक करके यही होना चाहिए, ऐसा हट करके विवाद करना बिल्कुल उचित नहीं होता है। इसलिए ये जो आपस में विवाद करते हैं भगवान को लेकर के, ये बिल्कुल उनकी धृष्टता है, ये साहस है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पुष्पदंत आचार्य 9वां श्लोक तक
तत्व की दृष्टि से प्रतिपादन किया। इसके बाद 10वां श्लोक से 24वां श्लोक तक अलग अलग पुराणों के माध्यम से अलग अलग कथाओं को लेकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जैसा अभी हमने कहा, पुराणों का सार, कथाओं का सार भी यहाँ प्रतिपादन करना इष्ट है स्तुति के माध्यम से। उस प्रसंग को आगे करते हैं। समय के अभाव में हमने पहले कहा कि हम बीच के ये सारे श्लोक छोड़ रहे हैं, बाद में कभी इसके बारे में विस्तार करेंगे। और जहां हम तत्व का विचार करके छोड़ा है 9वां श्लोक में, उसके बाद उसके साधन संबंधी विचार ये 25वां श्लोक से आगे है समाप्ति की ओर। जितने भी श्लोक है, 6-7-8 श्लोक है, इसमें इसका विचार होगा। इसलिए अब यहां से सीधा आप 25वां श्लोक में चलेंगे। मन प्रत्यक्षित्ते सविधम अवधाया तमरुतः प्रघृष्य द्रोमाण प्रमद सलिलोत्संकित दृशः यदालोक्याह्लादं हृदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्दस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवा। कुछ साधनों को बता रहे हैं। हे भगवान, आपके साक्षात्कार के लिए शास्त्रों में अलग अलग साधनों का प्रतिपादन हुआ है। सिद्धांत कह दिया कि कोई कितना भी भेद की बात कहें, तत्व रूप से, आत्म रूप से भगवान एक ही है। जो जिसकी भी पूजा करते हैं उसका फल देने वाला भगवान एक ही होता है, फलदाता एक है। विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, देवी के रूप में, सबके रूप में भगवान का वही रूप है। किंतु अब हम अपने कौन से साधनों से उस भगवान को प्राप्त करेंगे, इसके लिए ये साधन की ओर दृष्टि डाल रहे हैं। मन प्रत्येक चित्ते सविधम अवधाया तमरुतः, प्राणायाम के बारे में कह रहे हैं कि प्राणायाम अभ्यास करने वाले आयात तमरुतः, आयात मरुद मने प्राण को संयम करते हुए, इस प्राण को पकड़ करके। मरुत शब्द का अर्थ प्राण होता है, वायु मरुत प्राण है। तो आयात मरुत प्राणायाम करने वाले सविधम अवधाया, विधि विधान के साथ। ये प्राणायाम करने की विधि है। प्राणायाम किसी भी प्रकार करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। प्राणायाम किस प्रकार करना है, जैसा योग शास्त्रों में विधान किया है, उस विधि को जान करके, प्राण का संयम किस प्रकार करते हैं उसको जान करके प्राणायाम के द्वारा साधन करने वाले, प्राणायाम करते हुए ओंकार के द्वारा प्राणायाम है, अनेक प्रकार के प्राणायाम है, रेजक, पूरक, कुंभक। तो ऐसे प्राणायाम की विधि से सविधा प्राणायाम को करते हुए मनः प्रत्येक चित्ते आधाय, मन को अंदर आत्मा में, प्रत्येक मन अंदर, अंदर जो आत्मा है प्रत्येक चित्त में ध्यान लगा करके, वही समाधि लगा करके। तो प्राणायाम करते समय मन को ध्यान में लगाने का प्रकार भी ज्ञात होना चाहिए, तभी आपको प्राणायाम का फल मिलेगा। कहाँ ध्यान करना है, कहाँ एकाग्र करना है, ये भी जानना है। तो ऐसा जान करके मन को एकाग्र करके समाधि लगाते हैं, तो ऐसे जो संयमी है, यमिनः
प्राणायाम करना बहुत बड़ा साधन है। मन को तुरंत रोकने के लिए प्राणायाम को उत्तम साधन के रूप में कहा है। जैसा आप प्राणायाम करना आरंभ करते हैं तभी मन एकाग्र होते जाता है, तो अच्छा अभ्यास हो जाता है तो समाधि लगती है। तो उस स्थिति में प्रहृष्य द्रोमाण, शरीर में हर्ष के कारण रोमांच होता है, शरीर पुलकित होता है। शक्ति का प्रवाह जब शरीर में होता है तो शरीर में शक्ति का प्रवाह से एक प्रकार के कंपन सा आता है, एक पुलकित होने का अनुभव आता है। तो प्रहृष्य द्रोमाण और साथ में प्रमाद सलिलोत्संगित दृश्य, आनंद इतना आह्लाद होता है कि आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। तो आनंद अतिरेक के कारण मन को जब एकाग्र करके आत्मा में ध्यान करते हैं तो उस समय आनंद होता है ये दिखा रहा है, और भगवान का आनंद स्वरूप वहां विद्यमान है। जब भी आपका मन शांत होता है भगवान का स्वरूप आनंद आपको प्राप्त होता है। विषयों से आनंद होता हुआ दिखता है लेकिन विषयों से आनंद नहीं होते, आनंद तो अंदर से ही आता है, अंदर आत्मा में ही आनंद का स्रोत है और कहीं भी नहीं। और विषय आदि क्या होता है कि जिस विषय को आप देखते हैं जानते हैं उसको अनुभव करते समय मन उस समय थोड़ा शांत होता है थोड़े क्षण के लिए। अब उस एक क्षण में थोड़ा सा मन रुक जाता है तो अंदर का आनंद प्रकट हो जाता है, हम इसको विषयानंद कहते हैं। वो भी आनंद ही है, भगवान का ही रूप है, आनंदमय कोश का ही वो प्रकट भाव है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो विषयों से आनंद पूरा नहीं होता है इसका ये प्रमाण है, इसका ये प्रूफ है कि आप विषय भोगते जाते हैं और बाद में थक जाते हैं फिर उसको छोड़ने लगते हैं। यदि उससे आनंद आता होता निरंतर तो कभी विषय को छोड़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होता है। अब जो कोई भी वस्तु को आप लीजिए, एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा या कुछ समय तक वो वस्तु आपको आनंद दे सकती है, उसके बाद में वही वस्तु से आप बोर होने लगते हैं। क्यों होता है? ये तो सभी के आपके जीवन में है, सारे उदाहरण आप जानते हैं। बोर हो जाता है फिर बदलना पड़ता है। इसका अर्थ है उस वस्तु में आनंद नहीं है। उस वस्तु में यदि आनंद होता तो बदलने की इच्छा नहीं होती। जब वस्तु नई नई हमारे पास आती है, नया कपड़ा लाते हैं और कपड़ा दे करके एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर है ऐसा एक क्षण के लिए आनंद हो गया, और वो उत्तम कोड़ी का होता है, मतलब सबसे ऊंची स्थिति होती है, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में जो आपको फील होता है, और उसके बाद वो कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा और हो जाता है, थोड़ा और समय के लिए रुकता है। फिर एक दिन पहना और दूसरे दिन उसी कपड़े को पहना तो पता चलता है कुछ आनंद कम हो गया है ना। फिर एक बार धोने के बाद में जब बाद में उसको पहनते हैं और आनंद कम हो गया, फिर एक बार धोया फिर दोबारा धोया फिर उसको पहना, तो धीरे धीरे एक हफ्ता दो हफ्ते में वो कपड़े से आसक्ति खत्म हो जाती है और बाद में वो कपड़ा बोर देने लगता है, फिर वो कपड़े को त्यागते हैं फिर नए कपड़े लाते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि ये पहले कपड़े ने जो है आनंद दिया है इसका मतलब और एक नया कपड़ा आएंगे तो और आनंद मिलेगा, तो उस आनंद को रिपीट करने के लिए, उस सुख को रिपीट करने के लिए नए कपड़े लाते हैं। तो वो भी ऐसा ही है, नए कपड़ा आते ही एक क्षण के लिए रहेगा और दूसरे क्षण में धीरे धीरे कम होते जाता है। ये रहस्य है, ये आप अपने जीवन में कहीं भी देखिए ऐसा ही है, कोई भी वस्तु के साथ ऐसा ही होता है। अब ये के साथ ऐसा नहीं होता,
वो केवल अपना स्वरूप के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने जो अंदर का जो स्वरूप है उसके साथ आप बोर नहीं होते, बाकी सबके साथ बोर हो जाते, क्योंकि आप कभी अपने को त्यागने की इच्छा नहीं करते, क्या अपने को छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, ऐसा नहीं सोचता है कि अब मैं क्या, मैं तो बहुत ये हो गया हूँ, अब मेरा क्या रह गया, मैं क्या हूँ, ऐसा नहीं होता, मैं एक नया लाता हूँ, ऐसी इच्छा नहीं होती है। इच्छा ये होती है कि ये हमेशा बने रहें, ये दीर्घकाल तक वैसे वैसे बने रहें, मैं हमेशा जिंदा रहूँ, मेरी मृत्यु कभी ना हो, ये सबकी इच्छा होती है। इसका मतलब आत्मा को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं और बाकी सबको कम चाहते हैं, इसलिए आत्मा प्रिय है, प्रियतम है। जिस किसी को भी आत्मा के रूप में अनुभव करेंगे वो प्रियतम हो जाएगा, प्रियतमा हो जाएगा। तो ऐसा ही यहां जब आत्मा के साथ संबंध करता है, कभी भी एकाग्र मन से संबंध करता है, और एकाग्र मन ना भी हो आप सुषुप्ति में जाकर के संबंध करता है, जो सो जाते हैं ना, कल कहा था जब सोते हैं तो शरीर मन प्राण बुद्धि अहंकार किसी का कोई संबंध नहीं रहता, सबको भूल जाते, तो अकेले अकेला होता है, आपसे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता है, और वहां कोई भोग का विषय नहीं होते, और नींद में ही जीवन में सबसे अच्छा आनंद होता है। यदि नींद नहीं होती है तो बहुत परेशानियां हो जाती, तो वहां आपके स्वरूप है, उस स्वरूप का आनंद है, वही स्वरूप हमेशा आनंद स्वरूप है और विषयों से अतीत है। उसको जानने से प्रमद सलिलो संगीत दृशः यदालोक्य आह्लादम हृदय इव निमज्ज्यामृतमये, और उस आनंद स्वरूप को जान करके, यदालोक्य जिस तत्व स्वरूप में आनंद है उसको जान करके परम आह्लाद को प्राप्त करते हैं, जैसा आनंद रूप अमृत में डुबकी लगाया हो, आनंद रूप सागर में डुबकी लगाया हो, ऐसे अनुभव को प्राप्त करते हैं। और ददत्यंतस्तत्वं किमपि यमिनः तत्किल भवा, वो जो परमात्मा जो परमानंद को प्राप्त करते हैं संयमी लोग साधन करके, वो आपका ही स्वरूप है, तत्किल भवान आप ही है, वो परमात्मा से अतिरिक्त नहीं। परमात्मा ने आनंद को छुपा करके भी रखा, और जो सबसे व्यापक आनंद है वो तो त्याग से ही प्राप्त होता है, त्यागे नेगे अमृतत्वमानशो, त्याग के द्वारा प्राप्त होता है। किसका त्याग? विषयों का त्याग, और विषयों में थोड़ा सा ऐसा रखा है कि आपको विषयों के साथ संपर्क में भी कुछ आनंद जैसा लगे, ऐसा भी रखा है, क्योंकि लोग यात्रा को चलाने के लिए वो भी आवश्यक है, यदि विषयों में आनंद ही नहीं होता तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता, क्यों करेंगे प्रयत्न, तो कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत आनंद बाहर रखा जैसा है, लेकिन बाहर नहीं है वो, अंदर से आता है लेकिन निमित्त बाहर रखा। और ये भी दिखाते हैं जैसा अभी हमने बोला कि बार बार करने पर उसको त्यागने की इच्छा भी होती, इससे ये मालूम होता है त्याग से शांति होती, क्योंकि त्यागने की इच्छा तभी हो रही है। तो ये सारे कुछ भगवान अलग अलग प्रकार से आपको दिखाते आ रहे हैं, आपके पूरे जीवन में दिखाते आ रहे हैं कि इसको अपनाओ तो आपको शांति मिलेगा, तब आपको आनंद मिलेगा। तो भगवान का एक रूप में वो परमानंद में जो सुख है वही सर्वोत्तम है, उसको प्राणायाम आदि साधन के द्वारा कुछ लोग प्राप्त करते हैं। अब ईश्वर की सर्वरूपता का वर्णन करते हैं, जो रुद्री में नमक पाठ में, नमक अध्याय में कहा गया है, इस रूप से सर्वरूपता का, भगवान सभी के रूप में है।
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुदवः त्वमापस्त्वं व्योमास्त्वमधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणदा बिभ्रदुगिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत् त्वं न भवसि। भगवान का रूप में त्वमर्कस्त्वं, आप ही सूर्य हो, प्रत्यक्ष देवता सूर्य आप ही हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही पवन हो, आप ही अग्नि है, आप ही जल है, आप ही व्योम है, आकाश है, आप निश्चित रूप से ये धरती भी है और आप सभी के अंतरात्मा भी है। सभी के अंदर देवताओं के रूप में, मनुष्यों के रूप में, जीव प्राणियों के रूप में आप ही विराजमान हो। ये जो कहे गए हैं ये शास्त्रों में इनको अष्टमूर्ति कहते हैं। ये आठ मूर्तियों का वर्णन किया यहां। ये अष्टमूर्ति में संपूर्ण प्रपंच आ गया, सूर्य, चंद्रमा, पंचभूत, आत्मा। इस प्रकार अष्टमूर्ति के रूप में परिणत भगवान का स्वरूप का यहां प्रणाम करते हैं पुष्पदंडाचार्य। परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणदा बिभ्रदु गिरम। इस प्रकार से परिच्छिन्न भाव में आपका स्वरूप तो व्यापक है किंतु सूर्य, चंद्र आदि के रूप में आप परिच्छिन्न दिखते हैं, अलग अलग रूप में दिखते हैं। देखिए, सूर्य नहीं होने से ये प्रपंच चल नहीं सकता, सूर्य से ही सब कुछ चल होता है। यदि सूर्य नहीं है तो प्राणवायु नहीं हो सकता, ये पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं, और धरती में ऐसा गैसस बन जाएगा जिसका श्वास लेके सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। सूर्य इन सब को शुद्धिकरण करता है, प्राणवायु देता है, और सारे परिणाम का स्रोत सूर्य ही है। वर्षा होने का कारण भी सूर्य ही है। तो ऐसे सूर्य, चंद्र, पंचभूतों के रूप में आप परिच्छिन्न रूप में स्थित रहता हुआ ये प्रपंच में सब कुछ चलाते हैं, और आपके बारे में विद्वान लोग, पंडित लोग गाया करते हैं। इन आठ रूपों को लेकर के अनेक प्रकार के वर्णन करते हैं। इनमें से कोई भी एक रूप का चिंतन आप करते हैं तो परमात्मा में पहुंच जाता है। आपके सामने कोई भी तत्व हो उसके यथार्थ चिंतन आप करते जाएं, आप परमात्मा में पहुंच जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ही उसका स्रोत होता है। इसलिए एवं त्वयि परिणता, अनेक प्रकार से परिणत जान करके विद्वान लोग भले ही अलग अलग आपके बारे में बोलते रहें, अलग अलग वर्णन करते रहें, किंतु हम तो ये कहते हैं न वित्मस्तत्तत्त्वम्। आपके जो एकत्व स्वरूप है उस एकत्व स्वरूप को सामान्य कोई नहीं जानता, किंतु हम तो ये समझ रहे हैं वो एकत्व स्वरूप एक स्वरूप ही तत्व है। न वित्मस्तत्तत्त्वम् वयमिहतु यत्त्वम् न भवसि। और हमें लगता है ऐसा इस प्रपंच में और कोई तत्व ऐसा नहीं है जो आप नहीं हो। ये आठ प्रकार के वर्णन करना, दस प्रकार के वर्णन करना, जैसा हमने कहा 36 प्रकार के वर्णन करना, ये तो वादी करते रहते हैं, अलग अलग बोलते हैं, और स्थान विशेष को लेकर के, तीर्थ स्थान को लेकर के, मंदिरों को लेकर के कहते हैं लोग,
स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हम तो उस एक तत्व को जानते हैं और उसी एक तत्व से ये संपूर्ण प्रपंच बना हुआ है ऐसा हमें दिखता है। यहाँ आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यहाँ सर्वात्म भाव का वर्णन किया, एक ही आत्मा के द्वारा संपूर्ण प्रपंच व्याप्त है, इसका वर्णन पुष्पदंत आचार्य यहां करते हैं। बहुत सुंदर शब्दों में कहा, न वित्मस तत्तत्वम, अनेक बताने वाले उस एक तत्व को नहीं जानते हैं, किंतु हम उस एक तत्व को स्वीकार करते हैं और उस एक तत्व से ही ये सब कुछ बना हुआ ऐसा हम मानते हैं। इस प्रकार परमात्मा का ध्यान उस एक तत्व में पहुंच जाए। अब एक साधन के विषय में कहा, उससे सर्वात्म भाव की बात कही, और सर्वात्म भाव वेदांत का सार है। तत्वज्ञान होने के बाद में ज्ञानी को सर्वात्म भाव का अनुभव होता है। तत्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा जब ज्ञान होगा, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, अहमेव इदगुम सर्वम, आत्मेव इदगुम सर्वम, आत्मा पुरस्ताद, आत्मा पश्चाद, आत्मा उत्तरदः, आत्मा दक्षिणदः, चारों तरफ आत्मा ही है, आत्मेव इदगुम सर्वम, ऐसा अनुभव उनको होता है। उस स्थिति में वहां भेदभाव को लेकर के कोई व्यवहार ज्ञानी के द्वारा नहीं हो सकता। अब दूसरे श्लोक में आगे 27वां श्लोक में ओंकार उपासना की बात करते हैं। ओंकार उपासना भी ज्ञान के लिए साधन है, इस विषय में प्रतिपादन करते हैं। त्रयी तिश्रो वृत्तेस्त्रिभुवन मधो त्रेनापि सुरान् नकाराद्यैर्वर्णैर्त्रिभिरभिदधत्तीर्न विकृति तुरीयं ते धामाध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमितिपतम्। आप ओंकार के रूप में भी विराजमान है, परम च अपरम च ब्रह्मा यद ओंकारः, ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव, ऐसा मांडुक्य उपनिषद कहते हैं ओंकार के बारे में। ओंकार के विषय में विस्तार से जानना हो तो मांडुक्य उपनिषद, और मांडुक्य उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य, और उसी के साथ में गौड़पाद आचार्य का वार्तिक, आगम प्रकरण में वार्तिक, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा ही शंकराचार्य जी के पट्ट शिष्य है, साक्षात शिष्य है सुरेश्वर आचार्य जी, उनके पंचीकरण वार्तिक नाम के ग्रंथ है जिसमें ओंकार के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। कहते हैं ओंकार में तीन मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, तीन मात्राओं को मिलाकर के ओंकार कहते हैं। यहां एक बात जानना चाहिए, ये जो ओंकार हम लिखते हैं आकार में, जैसा ओम ऐसे संस्कृत में लिखते हैं, सामान्य लोग इसी के ओम, इसी को ओम समझते हैं। वो जो लिखते हैं वो ओम नहीं है, वो ओम का एक चिन्ह है, एक चिन्ह बनाया, ओम को पहचानने के लिए चिन्ह बनाया। चिन्ह किसके लिए होता है? जो निशान लगाते हैं सिंबल, वो इसके लिए होता है जब आप उसको देखें तो आपको कुछ ध्यान में आ जाए।
तो उस चिन्ह को देखने पर आपके मन में ओंकार ध्यान में आ जाएगा, ये ओंकार है ऐसा ध्यान में आ जाएगा। लेकिन वो चिन्ह कोई ध्यान का विषय नहीं है। ओंकार में ध्यान का विषय ओम रूप ध्वनि है, ओंकार शब्द रूप है, ओंकार कोई मूर्ति रूप आकार रूप नहीं है। अब शब्द रूप ओंकार को कहां कहां प्रकट करना है, कहां उसको मांगलिक रूप से प्रयोग करना है, उसको दिखाने के लिए हमारे धर्म में एक चिन्ह बनाया गया। और ये जो अभी चिन्ह दिख रहे हैं ना, पुराने ग्रंथों में एक 500 साल के पुराने, 600 साल के पुराने ग्रंथ आप देखते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ, उसमें ऐसा नहीं दिखता, उसमें कुछ और प्रकार है, ऐसा नीचे लिख करके ऊपर और कुछ लिखते थे, मतलब दूसरे दूसरे प्रकार से ओंकार लिखते थे। वो अभी बदल बदल करके हमारे सामने ऐसा आ गया, उसका पहले उल्टा ऐसा दिखते थे और उसके ऊपर ऐसा लिखते थे, और कोई उसको घुमा करके भी लिखते थे। और भारत की जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में ओंकार को अलग अलग लिखते हैं। इसका यह अर्थ तो नहीं है कि ओंकार अलग अलग है सभी भाषाओं के लिए, ऐसा नहीं। इसका अर्थ यह है कि ओंकार का चिन्ह है वो, और उस अक्षर से ओंकार का कोई संबंध नहीं, वो एक इंडिकेशन मात्र है कि आपको ये बता दिया गया ऐसा चिन्ह डालने से इसको ओंकार समझना। जैसा आप रोड में जाते हैं तो कहीं आरो मार्ग डाला हुआ होता है, वो आरो मार्ग की एक चिन्ह होता है, वो दिखाता है कि आप इस तरफ जाओ, बस यही दिखाता है, वो इंडिकेशन होता है, ऐसा ओंकार है। इसीलिए आप आंग बंद करके ओंकार को ध्यान करते समय कई लोग बोलते हैं यहाँ ओंकार का चिन्ह बना करके यहाँ ध्यान करना चाहिए, गलत है। ऐसा शास्त्र में कहीं भी विधान नहीं कि ऐसा इधर ओंकार को देख करके ध्यान करना चाहिए। शास्त्र तो ओंकार को ध्वनि रूप में कहता है, उसमें तीन मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, ये उच्चारण के द्वारा प्रकट होने योग्य है, उच्चारण करके उसको प्रकट करते। उसमें जो तीन मात्राएं हैं, तीन मात्राओं का अलग अलग अर्थ बताया, उसको यहां पुष्पदंड आचार्य कह रहे हैं। अब वो तीन मात्रा में हे शरणता संबोधन, यहां शरणता शब्द है, सभी को शरण देने वाले आश्रय देने वाले हे भगवान, आपके रूप में ओंकार है, और ओंकार ही परब्रह्म भी है, ओंकार अपर ब्रह्म भी है, परम च परम च ब्रह्म यद ओंकार प्रश्नोपनिषद में कहा, परब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है, यानी ओंकार को आप शुद्ध ब्रह्म के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में भी ध्यान कर सकते हैं, और साकार सगुण के रूप में भी ध्यान कर सकते हैं। तो त्रयी, ये जो अकार आदि तीन मात्राएं हैं ना, ये तीन वर्णों से, तीन मात्राओं से त्रयी तिस्रो वृत्ति ही, तीन प्रकार की वृत्तियां हैं उसमें, उसमें तीन वेद है और तीन प्रकार की वृत्तियां, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि स्थिति संहार, जिसमें तीन तीन आता है, तीन प्रकार की वृत्तियां, और त्रिभुवन, तीनों भुवन को भोर भुवस्वः, ये जो तीनों भुवन है इसको भी तीन मात्रा में लिया, और त्रीन विसुरान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सृष्टि के संबंध में ये तीनों को भी लिया। ऐसे अनेक प्रकार से जितने भी तीन हैं सब तीनों को जोड़ करके अकार उकार मात्रा को हम कह सकते हैं। तो त्रिभिर वर्णैर त्रिभिर अभी अभिदत तीर्ण विकृति ही, किंतु वास्तव में क्या है, ये ओंकार भी परमात्मा के समान अपरिणामी है, ये शब्द ब्रह्म है। तीर्ण विकृति, उनका कोई विकार नहीं होता, विकृति मन विकार, कोई विकार नहीं होता, विकार नहीं होता हुआ ये तीनों रूप में विष्णु ब्रह्मा महेश जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि स्थिति संहार भोर भुवस्व तीन भुवन व्याहृदियों के रूप में सभी में ओंकार स्थित है।
और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ओंकार के बिना कोई कार्य नहीं होता है। सभी कार्य के आरंभ में ओंकार, सभी कार्य के अंत में ओंकार, मंगलाचरण के रूप में ओंकार, ध्यान के रूप में ओंकार, जप के रूप में ओंकार और ब्रह्म ज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए ओंकार। पूरे वेद को नहीं पढ़ सकते हैं तो वेद का सार भी ओंकार है, ऐसा कहा। उपनिषदों में इसका विस्तार से वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने सभी वेदों का सार रूप से ओंकार कहा और सबसे पहले उच्चारण ओंकार का किया। ओंकार को उच्चारण करने के बाद वेदों को उच्चारण किया और वेदों को उच्चारण करने के बाद में फिर सभी शास्त्रों को उच्चारण किया है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ओंकार का उच्चारण करके व्याख्यान करना आरंभ किया है। इसलिए हमें भी कोई भी मंत्र का उच्चारण करने के पहले सृष्टि के आदि तत्व को स्मरण करते हुए ओंकार का उच्चारण करना है और उसी के बाद ही आगे कुछ करना। ये साधन चलता आ रहा, यही अभी हमारे आचार में ये लगा हुआ है। कुछ भी उच्चारण करेंगे पहले ओंकार का उच्चारण करेंगे। तो ओंकारश्च अधशब्दश्च इत्यादि मंत्रों में इसको कहा गया, ऐसे वाचस्थ रूप है। तो ये तीन के द्वारा ओंकार को कहा। अब ओंकार में एक चतुर्थ मात्रा की कल्पना करते हैं, उस मात्रा का नाम अमात्रा दिया, वो निराकार रूप है। तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणु भी, अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में जब पहुंचते हैं और सारे ध्वनियां, ये ओंकार की ध्वनि शब्द जब रुक जाता है तो वहां एक शून्य अवस्था अनुभूत होती है। एक शून्य अवस्था जिसमें कोई विचार नहीं, कोई उच्चारण नहीं, कोई तरंग नहीं, मन बिल्कुल एकाग्र है, शांत है, ऐसी एक स्थिति आती है। उस स्थिति को तुरीय कहते हैं, ओंकार के चतुर्थ मात्रा कहते हैं। अब ओंकार के क्रम से उच्चारण करने के बाद में जब आप समाप्त करते हैं तो मन अपने आप एकाग्र होता है, एक तत्व में लीन होता है। उस समय उस तुरीय अवस्था का, तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ, चतुर्थ अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है। इस प्रकार से चतुर्थ अवस्था के रूप में भी ओंकार को प्रयोग कर सकता है। और व्यस्तम समस्तम त्वाम गृणाति, इस प्रकार आपके व्यापक रूप को भी ओंकार लेता है और व्यष्टि रूप को, परिच्छिन्न रूप को भी ओंकार लेता है। ओंकार साकार को भी, निराकार को भी, सगुण को भी, निर्गुण को भी, परब्रह्म को भी, अपरब्रह्म को भी, सब को लेता है। इसलिए ओंकार पूर्ण है, सभी कार्य में ओंकार को प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ओंकार के द्वारा भी आप प्राप्य होते हैं। आप उस स्थिति में, जो ओंकार की स्थिति है वही आपका परम पद है, ओमिति पदम। ये ओमिति पद है, इस पद के द्वारा भी आपके स्वरूप ही प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा। आगे जैसे यहां अष्टमूर्तियों का वर्णन किया, अष्टमूर्तियों में पंचभूत सूर्य चंद्र और आत्मा, इस प्रकार आठ मूर्ति का वर्णन किया। अब आठ मूर्ति के रूप में ही अष्ट नाम की भी स्तुति करते हैं। आठ नाम है भगवान के, विशिष्ट आठ नाम है। तो सहस्र नाम का जब नहीं कर सकते हैं, अष्टोत्तरी शतनामावली का जब नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये आठ नाम का जब करने के लिए कहा। ये श्लोक जो है कूर्म पुराण में, इस श्लोक का संबंध है कूर्म पुराण के ब्राह्म संहिता है पूर्वार्ध में, 15वां अध्याय में इसका वर्णन है। और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में 2 अध्याय और 9वां अध्याय में इसका वर्णन विस्तार से है। वहां
ये इसकी महिमा बताई है, ये आठ नामों की महिमा, इसमें सृष्टि स्थिति सब आ जाते हैं। ये भक्ति के रूप में ये साधन है। अब प्राणायाम साधन बताया, ओंकार रूप साधन कहा, अब भक्ति के लिए नाम जप आदि के रूप में भक्ति के लिए ये साधन कह रहे हैं। भव सर्वो रुद्र पशुपति रथोग्र सह महान तथा भीमेशाना विदियत अभिधानाष्टकमितम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते। ये आठ नामों का उच्चारण किया, भवः सर्वः रुद्रः पशुपतिः उग्रः महान और भीमेशानौ, भीमा और ईशान, इन सब का अलग अलग अर्थ है। एक संबोधन के रूप में देव शब्द का प्रयोग किया, भवः माने जगत को उत्पन्न करने वाला आप हो, सर्वः माने जगत को संहार करने वाला भी आप हो, रुद्रः माने दुष्टों को पापियों को संहार करने वाला, क्योंकि जगत का संहार तो अंत में होगा महाप्रलय में, और बीच बीच में दुष्टों को मारना पड़ता है, वो काम रुद्र भगवान करता है। ये रुद्र नाम भी इसलिए है, रोदयदीदि रुद्रः, जो रुलाने वाला है वो रुद्र है, बड़े क्रूर रूप है, पाप को सहन नहीं कर सकता, जो पाप को सहन नहीं करता है वही देवता का नाम रुद्र है। रुद्र के रूप में भी आप हैं। पशुपति ही जीवों को रक्षा भी करता है, स्थिति के समय में पशु नाम पति ही, पशु मन जीव है, जीवों की रक्षा करते हैं। और महान उग्रह, उग्र भी आप ही है, आप उग्र रूप में प्रकट होते हैं, तो अज्ञान आदि दोषों को नाश करने के लिए आप उग्र रूप में प्रकट होते हैं, उग्र भी आपका नाम है। और सहमहान, सहमहान का अर्थ महान है, देवादि देव है आप, सभी देवता आपके अधीन रहते हैं, अब महादेवता है, तो महादेव कहने की जगह पे सहमहान कहा, वो छंद को बिठाने के लिए, महादेव नाम है। और फिर भीम और ईशान, हा भीम नाम है भयंकर, जो भयंकर होता है वो भीम होते हैं, भयंकर का अर्थ होता है भय करने वाला, जिनके शासन को देख करके डर जाते हैं उनको भीम कहते हैं। और भीम शब्द का अर्थ भीष्म शब्द का अर्थ दोनों एक ही होता है, दो अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, ये भी भय धादु है संस्कृत में, भी माने भय, जिससे भय शब्द बना है उसी से ही भीम शब्द भी बनता है और भीष्म शब्द भी बनता है, दोनों का अर्थ भयंकर, भय देने वाला। तो जो गलती करते हैं ना उनको डराने वाला कोई चाहिए, अब मारता नहीं, पहले डराता है, मारना बाद में, और रुद्रदेव मारेगा, अब डराता है, डराने के लिए शासन करने के लिए भी चाहिए, तभी लोग डरते हैं। यदि वो डर चले जाए ना फिर तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, जितने भी व्यवस्था कानून की व्यवस्था बनाते हैं डरा करके बनाते हैं, आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जेल में डालेंगे, पिटाई करेंगे, ये वो सब बोलते हैं, ऐसा डराने वाला भीम भगवान है, वो भी आप ही हो। और ईशान सबके शासिता, शांत भाव में सबको शासन करता है, वो कैसे करता है, सभी के अंतर्यामी रूप से रह करके शासन करता है, क्योंकि बाहर कहीं एक जगह पे रह के शासन करेगा तो शासन भली भांति नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग चुपके से कुछ करेंगे, अब आपके सामने ही पुलिस खड़ी है तो आप सावधान रहेंगे चोरी करने में, अब पुलिस तो हमेशा आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती,
आप तो ऐसे ऐसे स्थान ढूंढ लेते हैं जहां पुलिस पहुंच ही नहीं सकती, तो क्या करेंगे? तो वो शासन पूर्ण नहीं होता। इसलिए भगवान ने सोचा कि एक जगह कहीं रह करके, महल में रह करके शासन करने से पूरा शासन नहीं हो सकता है। ये लोग बहुत चोर होते हैं, ये गोलमाल बहुत करते हैं, इसीलिए हमें इनके साथ ही रहना पड़ेगा। ये जहां भी जाए हमको साथ में ले जाए, और जागते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में, सब जगह साथ में रह करके देखना पड़ेगा कि ये क्या क्या करता है, क्या नहीं करता। तो भगवान ने ये निर्णय लिया कि हम रहेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे और इन्हीं के अंदर घुस करके रहेंगे। तो अंदर घुस गया और रहता है, आपको पता नहीं चलता। आप जो भी करते हैं उनके सामने करते, ये अंतर्यामी भगवान ऐसा शासन करता है। अब आप बच नहीं सकते, आपने गलती, कुछ पाप सोचा भी है तो उनको मालूम पड़ेगा, ये वो पाप के बारे में सोच रहा है, गलत करने जा रहा है, वो मालूम पड़ेगा। अब किया नहीं है, पुलिस वाले कोर्ट तो करने के बाद में दंड देता है, अब ये करने के पहले ही उनको जान पड़ता है कि ये पाप करने जा रहे हैं। तो आप भगवान से कभी बच नहीं सकते, उनके सामने सब कुछ है। इसलिए आप देखिए, आपने किसी के बारे में गलती सोचा, पाप सोचा, तो बाद में आप जाने बिना ही आपका उसका फल आपके पास आ जाता है। आते समय कभी कभी याद करते, अरे मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा था, तो देखो वो अभी मेरे पास आ गया। आपने किसी को बताया भी नहीं, लेकिन भगवान को ज्ञान हो जाता, आपके एक एक विचार को जानते। तो द्वा सुवर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद स्वजा देह, ये दो पक्षी बनकर के इस शरीर के अंदर प्रवेश करके बैठ गया। एक तो जीवात्मा है जो करता धरता है, और दूसरा परमात्मा है अंतर्यामी, कुछ करता नहीं, ये जो कुछ करता है उसको देखता रहता। अभिषाग शीति, निरंतर देखता रहता, उनकी दृष्टि कभी इधर उधर नहीं जाती। ऐसे परमात्मा के रूप में भी आप ही हो, ऐसे आपको हम प्रणाम करते हैं। तथा भीमेशाना विधि यदा विधान अष्टकमिदम, ये आठ प्रकार के जो नाम है इनको आप स्मरण करिए, पूरा तत्व का स्मरण हो गया, सृष्टि, स्थिति, संहार, सब कुछ इसमें आ गया। अमुष्मिन प्रत्येकम प्रविचरति देवश्रुतिरपि, इसके विषय में, प्रत्येक के विषय में, प्रत्येक नाम के विषय में अच्छी प्रकार से श्रुति, वेद व्याख्यान करते हैं। प्रियायास्मै धामने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते, आपके उस रूप को, उस प्रिय रूप को, इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त उस प्रिय रूप को प्रणाम करते हुए, प्रणिहित मन के द्वारा, प्रणिहित का अर्थ प्रणाम के द्वारा, साष्टांग प्रणाम, जो साष्टांग प्रणाम का अर्थ भी होता है कि सब कुछ आप समर्पित कर रहे हैं। जो लेट के प्रणाम करते हैं ना, वो सबसे बढ़िया होता है। अब लेट के प्रणाम करने में बहुत कुछ रीजन भी है, आजकल तो पता चल गया। पहले हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे परंपरा के आचार्यों को पहले से पता था कि ये लेट के प्रणाम करने में बहुत कुछ होता है। आजकल कोरोना आ गया तो ये लेटने के लिए कहा, जो जिनको आया होगा उनको पता होगा, जो उल्टा करके लेटने के लिए कहा वो क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उल्टा करके लेटने से आपका ऑक्सीजन बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट नंबर बढ़ जाता है, ऐसा कहा है ना, आपको पता है। अब देखिए, पहले से हमारे गुरु लोग इसी के लिए बोल रहे थे। और नमस्कार एक नहीं होता, आठ बार मुख्य नमस्कार आठ बार होता है, फिर उसके कम तीन बार होता है, और कम से कम एक बार साष्टांग नमस्कार होता है। और ये करते रहेंगे तो आपको कोई और व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आठ बार उड़ करके, लेट करके, नमस्कार करके देखिए, बहुत फायदा होता है। तो उससे आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं, वही ऑक्सीजन बढ़ने से क्या, दिमाग ठंडा हो जाता है, विचार अच्छे हो जाते हैं, वही आपका आशीर्वाद है। अब देखिए, साइंटिफिकली भी उसको कहा जा सकता है। तो जब दिमाग ठंडा हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, वो आशीर्वाद नहीं है क्या? वो आशीर्वाद है। इसीलिए सूर्य नमस्कार करना, इस प्रकार दंड नमस्कार करना हमारी परंपरा में इसलिए रखा गया। ये सब आप बच्चों को सिखाना है, ये ऐसा नमस्कार करो, खाली ऐसे करके एक पैर से ऐसे ही नमस्कार नहीं होता। कोई हाथ इधर करते, एक हाथ में मोबाइल पकड़ते, दूसरे हाथ से नमस्कार करते,
ऐसा नहीं होता है, उसको हम नमस्कार नहीं मानते। तो ये नमस्कार करने की अपनी तरीका है। यदि हाथ से नमस्कार करते हैं तो ऐसा नमस्कार करना होता, ये ऐसे 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 से नमस्कार नहीं होता। तो नमस्कार की अपनी तरीका है, ऐसे है, इसको कहते हैं अंजलि नमस्कार। ये सामान्य नमस्कार है जैसा अभिवादन के लिए होता है। और दूसरा पंचांग नमस्कार, जो स्त्रियों के लिए पंचांग नमस्कार कहा, वो पांच अंग से घुटना टेक करके जो नमस्कार करते हैं उसका नाम है पंचांग नमस्कार। और बाकी जो है लेट करके नमस्कार, इसको नाम है दंड नमस्कार। तो इस प्रकार से नमस्कार है। तो वो नमस्कार करने से ही उसको नमस्कार माना जाता है। और षोडश उपचार पूजा में नमस्कार एक उपचार है, नमस्कार करके ही षोडश उपचार को पूरा किया जाता है। तो यहाँ भी पुष्पदंत आचार्य इस 28वां श्लोक में अपने को प्रणहित नमस्योस्मि भवते, आपके इन सब रूपों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार अपने वक्तव्य को समर्पित करते हैं। और आगे के कुछ श्लोक है, सायंकाल सत्र में इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति।